भारतवर्ष में हर जाति का, हर धर्म का आदमी औरत रहता है और इस देश के सभी जाति धर्मों में समानता रखने की बात हमारे संविधान में की है, मगर उस तरह का समानता का अधिकार मुझे दिखता नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो की है उसमें सबको समाविष्ट नहीं किया है, जिनको समाविष्ट किया है उनमें भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास आरक्षण का फायदा नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा फायदा खुद के घरों में ही रखते हैं। एक ही घर में 10-10 IAS और IPS ऑफिसर बनते हैं, मगर उसी समाज में लोग आज गवंडी काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं ताकि पेट भर सके, ये बात सच है। और इसके लिए हर जाति हर धर्म के उस गरीब आदमी को आज समानता के लेवल पे लाने की जरूरत है, और अगर ये काम केंद्र सरकार नहीं करेगी तो केंद्र सरकार को हमको पूछना पड़ेगा। इस बारे में हमने कुछ दिन पहले दिल्ली में आंदोलन किया और हमने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से निवेदन किया, हमने लेटर दिया उनको कि आप इस देश के अंदर समानता की बात कीजिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मराठा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे फकीर हो, चाहे सेठ हो, इनमें समानता लाने की बात आप करिए। और इसके साथ में ही प्रसार माध्यमों को मैं ये बात बहुत ही पक्के तरीके से बोलना चाहता हूँ कि मैं दुर्दैव से लोकसभा हार गया। अगर मैं लोकसभा सदस्य बन जाता तो राहुल गांधी जी ने तो सिर्फ प्यार की झपकी नरेंद्र मोदी जी को दी थी, मैं नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी खींचने को भी कम नहीं करता था, लेकिन दुर्दैव से मैं लोकसभा सदस्य बन नहीं पाया। इस देश में अगर इसी तरीके से लोगों में विभाजन करके देश का राज्य किया जाता होगा तो एक दिन इस देश के अंदर सिविल वॉर हो जाएगा, हिंदू मुसलमान पे टूट पड़ेगा, मुसलमान हिंदू पे टूट पड़ेगा, जो आरक्षित है वो, जो आरक्षित नहीं है उस पे टूट पड़ेगा, जो आरक्षित नहीं है वो आरक्षित जो है लोग उन पे टूट पड़ेगा, और इस देश में शांतता और संविधान का संरक्षण रहेगा नहीं। इसलिए मैं अपील करता हूं सभी लोगों से कि हमारे इस मूवमेंट के साथ जुड़े, और अगर हम सब भारत माता की संतान है तो हमें सब में एक समानता की भावना क्यों नहीं सरकार ला रही है, क्यों सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने कुछ कुछ लोगों को नजदीक लाके बाकी के लोगों को इस देश के बाहर जाने के लिए प्रवृत्त कर रही है, ये मेरा सीधा सीधा सवाल।